दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गिलोय का काढ़ा बनाया था। उस वीडियो में हमने गिलोय के फायदे के बारे में आपसे बात की थी, गिलोय के काढ़े को सेवन कैसे करें, गिलोय के डंडे से हमने आपको परिचित करवाया था। सारी बातें उस वीडियो में हमने गिलोय के बारे में आपसे क्लियर कर दी थी। लेकिन दोबारा से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में सवाल था कि गिलोय का काढ़ा काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, फिर इसका हम सेवन कैसे करें। कुछ बोल रहे थे कि और नमक इसमें डाल देते हैं, कुछ बोल रहे थे इसमें चीनी डाल देते हैं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम आपको आयुर्वेद तरीके से इस गिलोय के काढ़े को टेस्ट चेंज करके बताएंगे। बहुत आसान है और वही सलूशन है। हाँ, इसमें हम गुड़ बिल्कुल भी नहीं मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए इस आयुर्वेद टेक्निक से इसका स्वाद चेंज करते हैं और गिलोय के काढ़े को जो है पीने उपयुक्त तो बनाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गिलोय के डंडे को अच्छे तरीके से क्रश कर लिया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पानी में अच्छे तरीके से मिल जाए। यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस बार तुलसी का पत्ता, जो आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे फायदेमंद है। तो चलिए इसे जो है हम एक बर्तन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है ये गिलोय के डंडे क्रश किए हुए डाल देंगे, उसके साथ साथ इसमें तुलसी का पत्ता को भी हम डाल देंगे। इसमें हम डाल देते हैं मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप पानी। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसे चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। गैस का फ्लेम को हमें हाई रखना है ताकि जल्दी जो है काढ़ा बन जाए। यहाँ पे हमें लगे हैं लगभग 10 मिनट और ये जो है लगभग आधा हो चुका है। तो इसे जो है हम निकाल के छान लेते हैं और गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हम इस छन्ने की मदद से इसे छान लेते हैं अच्छी तरीके से और इसका जो गिलोय का डंडा क्रश किया हुआ उसे हम बाहर रख देंगे, उसका इस्तेमाल अब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से काढ़े को निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे आता है वो खास टेक्निक, वो है शहद। यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं शहद, जो इसका फ्लेवर को जो है पूरी तरीके से चेंज कर देगा। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार शहद को बढ़ा घटा सकते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मिला लें। हाँ, ये जो फ्लेवर है ये आपको गिलोय के काढ़े को पीने युक्त बना देगा। तो मुझे उम्मीद है आपके सवालों का सटीक जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया। कैसी लगी ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या फिर नए नुस्खे के साथ।